नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से शारदा क्लासेस सीकर में। पंचायती राज की जो लिस्ट हैं वो लगातार जारी हो रही हैं। कल मैंने लगभग 13 लिस्ट आपको बताई थी जो कल तक जारी हो चुकी थी। कल दोपहर के बाद जो लिस्ट आई है, जो रिलीज की है कुछ जिला परिषद ने, कार्यालय जिला परिषद के द्वारा, तो उनमें से हम देखते हैं कि कौन कौन सा रिजल्ट है जो कल आया था। हालांकि आप यहाँ देख पा रहे हो कि इन्हें डेट है वो 16 की दी हुई है, लेकिन ये कल सुबह ऑफिशियल साइट पे नहीं थी। कल सुबह के बाद ये ऑफिशियल साइट पे डली है, तो अब आप देख सकते हो कल शाम को ये डली थी। कार्यालय जिला परिषद दौसा की ये लिस्ट है जो आप देख सकते हो। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आपको दी हुई मिल जाएगी। सबकी लिस्ट यहाँ पे है, आप अपना नाम चेक कर सकते हो। एज यूजुअल आपको पता है हर लिस्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ रही है। कुछ कैंडिडेट्स के नेम दो बार आ रहे हैं, कुछ के कैंडिडेट्स के नेम दो दो लिस्ट में भी आ रहे हैं। तो अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैंने लास्ट वीडियो में जैसा कि आपको बताया, आप ज़्यादा से ज़्यादा कार्यालय में जाके आपत्ति दर्ज कराएं, जिससे कि एक और लिस्ट जारी हो सके और जो कैंडिडेट छूट रहे हैं उन्हें भी मौका मिल सके। जिन कैंडिडेट्स का एक से ज़्यादा बार नाम आ रहा है, कोई भी धोखाधड़ी से रिलेटेड या किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आपत्ति दर्ज कराने की, रिटर्न में आपत्ति दर्ज कराएं, जिससे कि हेल्प हो सके आपकी। इसके अलावा सेकंड जो जिला है जिसकी कल लिस्ट जारी हुई थी, वो है कार्यालय जिला परिषद अजमेर की तरफ से। ये भी 16 को रिलीज हो चुकी थी, लेकिन ये अपलोड कल हुई थी। इसके भी आप यहाँ देख पाओगे, ये जो PDFs हैं आपको, ये सारी PDF मैंने शारदा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, तो आप वहाँ से इन PDFs को डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। जिस भी ज़िले की रिलीज होती है आपको शारदा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे ये अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऑफिशियल साइट का लिंक भी डाल दूँगी, आप चाहो तो ऑफिशियल साइट से भी, पंचायती राज की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरी जो लिस्ट है वो है जिला परिषद भीलवाड़ा राजस्थान से। ये भी आपकी 16 तारीख को रिलीज हुई हुई है, लेकिन ये कल अपडेट हुई थी। तो नेक्स्ट आप यहाँ इसमें आप देख सकते हो, सारी PDF है मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगी। यहाँ सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट है जो कल रिलीज हुई है। इसके अलावा नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो है राजसमंद। राजसमंद की अपडेट हो चुकी है, कल तक नहीं आई थी ये भी। इसके अलावा नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी हम बात करें, जिन कुछ स्टूडेंट्स के बार बार लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, वो कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो आपको, आप अपने जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हो, जिससे आपने अप्लाई किया हुआ है, उसके कार्यालय में जाओ और रिटर्न आपत्ति दर्ज कराओ, जिससे कि आपको आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो सके। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो अलवर ज़िले की आप यहाँ लिस्ट देख पा रहे हो, ये अलवर की भी रिलीज हो चुकी है। मैं ये एक एक करके नहीं बता रही हूँ, वीडियो बिना वजह बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए सिर्फ मैं डिस्ट्रिक्ट बता रही हूँ आपको कौन कौन सी आ चुकी है। ये आपके पास है डूंगरपुर की, जो कल शाम को रिलीज हुई थी, 17/9/2022 आप यहाँ पे डेट देख पा रहे हो, तो ये है यहाँ पे डूंगरपुर ज़िले की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, लास्ट जो है वो है टोंक ज़िले की, जो भी कल 17 तारीख को आप यहाँ देख पा रहे हो रिलीज हुई थी, 17/9/2022 को, कार्यालय जिला परिषद टोंक। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आप कोशिश करें कार्यालय जिला परिषद में जाके आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व, वहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन दें, रिटर्न में एप्लीकेशन दें, आपत्ति दर्ज कराएं, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और जिन कैंडिडेट्स का नाम नहीं आ पाया है और जिनका 2 या 3 बार नाम आ रहा है, तो वो लोग भी आपत्ति दर्ज कराएं, जिससे कि बाकी कैंडिडेट जो छूट रहे हैं उनको मौका मिले, एक और लिस्ट जारी हो जाएगी, 100% जारी होगी। जो प्रॉब्लम आ रही है, कुछ कैंडिडेट बोल रहे हैं कि OBC के कैंडिडेट्स का नाम नहीं आ रहा है, किसी और कैंडिडेट, जो भी प्रॉब्लम है आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये जो रिजल्ट आप देख पा रहे हो, ये जो PDF आई हैं, भले ही ये ऑफिशियल साइट से आई हैं, इनमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि ये वापस चेंज होने वाले हैं। ये दोबारा से आपका रिजल्ट जारी होने वाला, जो कैंडिडेट रहे हुए हैं उन कैंडिडेट का नाम, जो जिनका 2-2, 3-3 बार नाम आ रहा है उनका सॉर्ट आउट। और आपने कुछ ऐसे भी देखे होंगे जो ऑलरेडी ज्वाइन हैं, ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उनका भी नाम इसमें आ रहा है, तो इस तरह के कैंडिडेट भी आप इन्फॉर्म करें, उनको बताएं, ताकि बाकी जो कैंडिडेट रहे हुए हैं उनके लिए एक और नई लिस्ट जारी की जाए और उन्हें भी मौका मिले। जिनका नाम नहीं आ रहा है उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका आप इंतज़ार करो, आपका भी नाम आ जाएगा। जो जो कैंडिडेट्स का नाम 2-2, 3-3 बार आ रहा है या कोई भी प्रॉब्लम की वजह से
जो प्रॉब्लम हो रही है ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी बहुत जल्दी। उपेन यादव जी ने ट्वीट करके बताया है, आप देख सकते हो, आप उनसे भी मिलके आप अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हो। और इस प्रकार की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या जितनी भी आपकी अपडेट्स हैं इसकी पंचायती राज से संबंधित, उन सब पे यहाँ पे अपडेट्स आपको चैनल पे मिलती रहेंगी, तो आप चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।